everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about chapter 1st matter in our surroundings. So, agar hum baat kare matter ki, so what do you understand by matter? As the name suggests, matter in our surrounding, yani hamari surrounding mein jitna bhi kuch aapko dikhai de raha hai, that is all matter. But ye matter hai kya? Right? Matter hota kya hai? Aaj hum is pure chapter ko detail mein padhenge aur agar iska kuch part reh jayega to wo hum apni next video mein cover up karenge. So, matter इन आर सराउंडिंग का मतलब ये है कि हर एक चीज जो है वो मैटर की बनी हुई है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर भी मैटर का बना हुआ है. हमारे आसपास जो गैसेस है दैट इज आल्सो अ मैटर. हम पानी पीते हैं वो भी क्या है, मैटर है. तो ऐसा क्यों बोला गया है कि मैटर जो है वो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर है? वो इसलिए बोला गया है कि हर एक चीज जो है मैटर की बनी हुई है. अगर हम बात करें मैटर की तो मैटर क्या है? मैटर को बोलते हैं हम एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वॉल्यूम और हैज सम मास. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर ओनली, तो अगर इस मार्कर की बात करूं, अगर मैं इसे अपने पाम पे रखती हूं तो दिस इज अ सब्सटेंस एंड इट इज कवरिंग अ स्पेस. ये एक स्पेस कवर कर रहा है. इट मींस ये मैटर कहलाया जा सकता है बिकॉज मैटर की डेफिनेशन ही क्या है, मैटर इज अ सब्सटेंस और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू, सेकेंड प्रॉपर्टी एंड इट हैज सम मास. अगर मैं इसको वे करूं तो इसका कुछ भी वेट होगा, लेट सपोज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है. तो यानी ये इसमें क्या है, मास है, इसमें वॉल्यूम है, राइट. सो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है. अब हमने तो बोल दिया कि चलो ये तो हमने सॉलिड में देख लिया, क्या लिक्विड में भी ऐसा ही होता है? डेफिनेटली. आप लिक्विड को किसी बॉटल में फिल करते हो, उस बॉटल में फिल करने के बाद आप देखते हो कि वो एक स्पेस कवर कर लेती है, राइट. तो यानी वो स्पेस कवर कर रही है, सो लिक्विड इज ऑल्सो अ मैटर, राइट. और अगर हम बात करें कि उसमें कोई मास है तो येस डेफिनेटली, आप बोलते हो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, राइट. तो डेफिनेटली उसमें भी मास है, तो हम कह सकते हैं चलो लिक्विड भी क्या होता है, मैटर रहता है. अगर हम गैसेस की बात करें कि गैसेस भी क्या मैटर रहेंगे, तो हाँ गैसेस भी मैटर रहेंगे. कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर के सिलेंडर का. घर में जो सिलेंडर आता है दैट इज एलपीजी, उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें गैस होती है ब्यूटेन, राइट. तो ब्यूटेन गैस आपके घर में आती है. प्लीज नोटिस दिस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो उसका फुल फॉर्म है, बट उस सिलेंडर में जो गैस होती है दैट इज योर ब्यूटेन, राइट. सो ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, 4 नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं उसके अंदर. अगर हम उसकी बात करें तो जब वो सिलेंडर में डाला जा रहा है इट मीन्स वो कुछ स्पेस कवर अप कर रही है एंड डेफिनेटली उसका कुछ मास है. हमारे घर में जनरली जो सिलेंडर्स आते हैं वो 14 kg और 14.2 14.3 समथिंग केजीज के जो होते हैं सिलेंडर्स रहते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि येस नाउ वी कैन प्रूव दैट मैटर इज इन आर सराउंडिंग्स एंड मैटर इज एवरीवेयर, राइट. और मैटर कैन बी सॉलिड, मैटर कैन बी लिक्विड, मैटर कैन बी गैस. दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी कैन से दैट येस मैटर आर इन आर सराउंडिंग एंड मैटर इज ऑफ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट इफ आई टॉक अबाउट द मैटर, तो अगर मैटर बना किससे हुआ है, सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, राइट. एंड द पार्टिकल्स आर नॉट टोटली विजिबल. वी कैन नॉट से वी विजिबल तो होगा बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो विजिबल नेकेड आई से होगा. नेकेड आई से नहीं होगा, यू नीड अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी दैट, राइट. आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा उसको देखने के लिए. अब अगर हम बात करें कि ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें क्या ऐसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पार्टिकल्स कैसे दिखाई देते हैं, तो आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल दिखाई देंगे. अगर मैं इस अगेन मार्कर को ही लेकर इसलिए चल रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ये मैटर है, राइट. ये सॉलिड है. अगर इस सॉलिड की बात करें सो दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स. क्या आपको इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं. तो पार्टिकल्स इतने अच्छे से जॉइन है, इतने अच्छे से आपस में टाइटली पैक्ड है दैट वी आर नॉट एबल टू सी इट, राइट. बट ये कब दिखेंगे, जब हम इसको, जब हम किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को हम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, देन वी विल सी दैट येस दीज आर पार्टिकल्स. बट ये पार्टिकल्स क्या है, राइट. ये पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली वी कॉल इट एटम्स. द ग्रुप ऑफ एटम इज बेसिकली कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं जो कि इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और हम सिंगल को बोल देते हैं पार्टिकल, राइट. अब ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, देखो सबसे पहली बात तो ये आपने पता ही कर लिया कि दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कांट सी इट विद द नेकेड आई,
राइट दे हैव एम्प्टी स्पेसेस. एम्प्टी स्पेसेस समझते हैं आप, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस. इट मीन्स इनके बीच में कुछ ना कुछ जरा सा स्पेस होगा. And they are not stationary. Mind my point, they are not stationary, but solid में तो stationary होंगे. No, solid में भी stationary नहीं होते. Particles आपस में टकराते रहते हैं. But particles इतने सारे cover up होते हैं solid के अंदर चारों तरफ कि particles को move करने के लिए space ही नहीं मिलता. इसीलिए वो आपस में ही रहते हैं. यानी उनका force of attraction इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं से निकल ही नहीं पाते हैं. इसी वजह से हम बोल सकते हैं that empty space solids are also having, but they cannot move. They have a strong force of attraction, but चारों तरफ से बहुत, जैसे अगर आप मान लीजिए एक कमरे में 50 लोग को खड़ा कर दी और बहुत छोटा सा कमरा है और वो 50 लोग कहाँ से जाएंगे जब तक एक भी पार्टिकल नहीं निकलता है. ठीक है, यानी स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो वहां से निकल ही नहीं सकते हैं. राइट, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेसेस, पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, पार्टिकल्स have attractive forces present in and motion of the particles increases with the rise in temperature. Now you will say, ma'am, how the motion of the particles increases with the rise in temperature? For example, you all know that this marker is made up of plastic, right? If I heat this plastic marker, so it will start melting. Yani maine isko de diya temperature aur isne melt hona start kar diya. Once it melt, it will come to the liquid stage. Aur liquid stage pe aate hi kya hota hai? मोशन जो होगा पार्टिकल्स का वो ज्यादा हो जाएगा. सो वही चीज बोली गई है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराने शुरू कर देंगे. नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रही हूँ तो मैंने अभी आपको बताया दैट जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, सॉलिड, थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो अब ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस जो है वो है क्या? बेसिकली सॉलिड लिक्विड और गैसेस किस तरीके से वर्क करते हैं? देखो, जो सॉलिड है वो उनकी फिक्स शेप रहती है, यानी उनकी जो शेप होगी वो कभी भी नहीं खराब नहीं होगी, जैसे है वैसे ही रहेंगे. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है मार्कर, ये क्या है, इसकी फिक्स शेप है, हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. कब चेंज कर सकते हैं? जब इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब हम चेंज कर सकते हैं शेप. चेंज द शेप अंडर द फोर्स. अब अगर मैं अंडर द फोर्स की बात करूं, सो यू नो दिस इज अ मैटस्टिक. देखिए ये मैटस्टिक है, ये जो मैटस्टिक है अगर मैं इसको फोर्स दूं तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगी. ठीक है, यानी मुझे एक फोर्स देनी पड़ेगी. इवन इस मार्कर को भी अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे उसको फोर्स देनी पड़ेगी. राइट, आई नीड टू गिव इट अ फोर्स. फिक्स्ड वॉल्यूम, एक प्रॉपर फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, कैनॉट बी कॉम्प्रेस. हम इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. देखो, ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रेशर देंगे, जैसे एक बलून को प्रेशर देते हैं और वो पिचक जाता है, ऐसा नहीं होगा. किसके केस में? मार्कर के केस में. कांट बी कॉम्प्रेस, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी. सुनिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसमें एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. पंखा चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी. फुटबॉल मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो जो भी चीज मूविंग स्टेज में होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है. अब ये पेन है, जब तक ये हाथ पे है तब तक इसमें क्या है? कोई काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं इसको फोर्स देकर मूव कर रहा हूं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. बट सॉलिड्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. सॉलिड मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स हमेशा ऐसे टाइट ही पैक रहेंगे, इनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, कभी फ्लो नहीं करेंगे. पानी की तरह कभी भी फ्लो नहीं करेंगे. क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं? पेंसिल, रबर, शार्पनर, चेयर, एनीथिंग, राइट, वो सॉलिड्स में हम डाल सकते हैं. अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में कोई भी फिक्स शेप नहीं रहती है. लिक्विड्स फ्लो करते हैं, रिजिड नहीं होते. रिजिड का मतलब होता है हार्ड नहीं होते हैं, राइट. जैसे ये पेन है, ये हार्ड है बट ये रिजिड नहीं होते. लेसर डेंसर, अगर हम डेंसर की बात करें तो डेंसर का मतलब होता है गाढ़ा. ठीक है, पानी को लेके कोई गाढ़ापन नहीं होता. हनी में होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो हनी है वो थोड़ा डेंसर है. बट जो जनरल वाटर की या लिक्विड की बात करें, दे आर लेस डेंसर एज कम्पेयर टू द सॉलिड. सॉलिड टू डेंसर है भाई, टोटली डेंसर है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, राइट.
एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोर. अगर आप पानी का एक गिलास फर्श पे डाल देते हैं तो क्या होता है, फैल जाता है. इट मींस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स जो है आपस में टकरा रहे हैं, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. सो पार्टिकल्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. कैन डिफ्यूज इजिली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफ्यूजन ओवर हियर. अगर मैं एल्कोहल लेती हूँ, एल्कोहल में पानी मिक्स कर देती हूँ, बोथ आर लिक्विड्स राइट, और बोथ क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे राइट. सो इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ मिक्सिंग टूगेदर दैट इज योर डिफ्यूजन. सो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन की कैपेसिटी ज्यादा होती है और सॉलिड्स में होती नहीं है. पानी को पानी के अंदर पेंसिल डिप करके रखो, पानी पेंसिल के साथ नहीं घुलने वाली है राइट. सो वी कैन से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट केम इन नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब क्या होता है ना, लेटेंट हीट ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हम लिक्विड्स को दे राइट, नॉट लिक्विड्स को, सॉलिड्स को दे ताकि वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्फ लेती हूँ और बर्फ को मैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दूँ ताकि वो पिघल जाए, ठीक है, तो वो जो एनर्जी रहेगी दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन राइट, दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सिमिलर इन द केस ऑफ गैसेस, पहले हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं. वेपराइजेशन मतलब कितनी हीट मैं लिक्विड्स को दूँ ताकि वो भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, यानी वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर ले, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. गैसेस अगेन नो फिक्स शेप, पता ही है आपको, फ्लो इजिली बहुत इजिली बह जाते हैं. इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं आपको दूंगी. कॉम्प्रेस्ड हाईली, बहुत इजिली कॉम्प्रेस हो जाते हैं. बलून्स आप फुलाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको कॉम्प्रेस करके देखें, बहुत इजिली कॉम्प्रेस हो जाते हैं. ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो बस्ट कर जाएगा. ओके, वेरी लाइट, बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, डिफ्यूज बहुत इजीली कर लेते हैं. अब अगर हम पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होंगे, मैं आपको एग्जांपल की बात कर रही थी, आपके घर में बहुत अच्छा खाना बना है, द अरोमा ऑफ योर फूड यू आर गेटिंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो व्हाट यू विल डू राइट, गरम गरम खाने की ही हमेशा अरोमा आती है, खुशबू आती है, ठंडे खाने की कभी खुशबू नहीं आती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन द गैसियस स्टेट राइट, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा राइट, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वो पार्टिकल्स आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे. मे बी आपने मैगी का एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है, जो मैगी की अरोमा होती है वो बहुत जल्दी पता लग जाती है दैट हाँ आज इस घर में मैगी बनी है या आज हमारे घर में मैगी बनी है राइट. सो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर फूड होते हैं जिनकी अरोमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है. जनरली भी खाना बनता है तो उसकी भी अरोमा पहुंच जाती है दैट यस समबडी इज कुकिंग, बिकॉज इन द गैसियस स्टेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर और वो हमारे तक पहुंच पाती है राइट. तो हम बोल सकते हैं कि जो गैसेस है बहुत इजीली फ्लो कर जाती है, पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा. सॉलिड्स में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में राइट. अब अगर मैं बात करूँ चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, हो सकता है राइट. कैसे हो सकता है, या तो टेम्परेचर दे दो या फिर प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, ये दो ऐसे आपके पास फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स जो रिवर्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड राइट. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. कैसे करेंगे, एक एग्जांपल में दे देती हूँ, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट. अगर आप बर्फ ले लीजिए, बर्फ को बाहर रख दीजिए, ठीक है, पानी हो जाएगा राइट, यानी बाहर रखा तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बाहर का ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेफ्रिजरेटर राइट. तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपका पानी बन गया. अब उस पानी को मैंने फिर से बर्फ बनाना है, देन आई हैव टू पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर एंड द प्रेशर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज लो, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज लो एज कम्पेयर टू आउटर आउटसाइड, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी अगेन फॉर्मेशन ऑफ आइस, वहां पे फिर से आइस बन जाएगी. सो दैट वी कैन कंक्लूड यस देयर इज अ चेंज इन स्टेट एंड वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, बट वी नीड टू जस्ट we need only the two factors, one is change in temperature, one is change in pressure. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, pH होती है, that you will learn in the higher classes. So I hope इतना आपको clear है, और जितना भी part chapter 1 का रह गया है that we will discuss in the second part of matters in our surroundings. I hope you like the video and if you really do, please hit the subscribe button. Thank you.